सीधे किचन से आज हम स्वागत करते हैं फैक्टेड बाय विकास में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है एलपीजी गैस स्टोव, इसमें जो लौ निकल रही है वो नीली निकल रही है। तो मेरे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि ये जो एलपीजी गैस स्टोव होता है या एलपीजी की जो लौ होती है वो नीली क्यों निकलते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे म्यूजिक के बाद। अगर एलपीजी की लौ की हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है और जितने भी प्रकार के प्राकृतिक ईंधन होते हैं वो जब भी जलते हैं तो एक कंप्लीट रूप से बर्न होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से जल जाते हैं, उसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है। या यूं कह लें जो इस टाइप के जो ईंधन होते हैं उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो न्यूनतम होती है, और जब कार्बन जलता है तो उस टाइम पे जो लौ होती है वो पीली होती है। लेकिन जब कार्बन के बिना कोई भी ईंधन जब जलता है, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब जितने भी इस तरीके के ईंधन होते हैं, तो इसमें जो लौ निकलती है वो पूरी तरह से नीली होती है। लेकिन अगर आप इसी लौ को अगर तेज करते हैं या बर्तन हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि लौ थोड़ी थोड़ी पीली हो जाती है, और ये पीली इसलिए होती है क्योंकि जो वातावरण में धूल मिट्टी होते हैं वो जलने लगते हैं, और वो जब जलते हैं तो उस लौ के संपर्क में, यानी कि वो नीली लौ के संपर्क में आते हैं तो वहां पे लौ के अंदर पीला बना जाता है। तो ये होती है बात कि नीली लौ निकलती है। चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लौ नीली और फिर बाद में पीली निकलती है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम गैस को जलाते हैं, ये गैस जला, और अगर हम इसको देखें ये नीली निकल रही है, और इसके बाद अगर हम इस गैस को थोड़ा सा तेज करते हैं, ये देखिए ये थोड़ी सी इसमें पीलापन आ गया। पीलापन इसलिए आता है क्योंकि जो वातावरण में धूल मिट्टी होते हैं वो इसके कारण जलने लगते हैं।